सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे गेम में फाइनली OB42 का अपडेट आ चुका है। और ये वाला जो अपडेट है ना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा अपडेट आया है। आई होप कि गाइस आप लोगों ने सभी गेम को अपडेट कर लिया होगा। और इस अपडेट में गाइस बहुत सारे चेंजेस आए। गाइस देखो, मैं आप लोग इस वीडियो में टॉप 20 चेंजेस बताऊंगा जो कि अपडेट के बाद हमारे गेम में हुए। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। गाइस देखो, जो फर्स्ट नंबर चेंज है ना, वो है गाइस, तो आप लोग अभी फुल मैप में डबल एक्टिव स्किल का यूज कर सकते हो। मतलब गाइस देखो, आप लोगों ये जो वेंडिंग मशीन है ना, इधर गाइस आप लोगों को दो अलग स्किल मिलेगा, एक्टिव स्किल मिलेगा, जो गाइस आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो। जैसे गाइस देखो, मैंने इधर क्लू का यूज किया। मतलब ये गाइस आप लोग सिर्फ एक बार ही कर सकते हो, ठीक है? आप लोग सिर्फ फुल मैप में एक बार ही कर सकते हो, बट हाँ गाइस आप लोग वेंडिंग मशीन से ले सकते हो। तो अगर आप लोग चाहो तो ये ऐसा कर सकते हो। और गाइस देखो, मैंने इधर क्रोनो भी लिया था, और क्रोनो गाइस इधर मैंने फेंक दिया। अभी गाइस देखो, मैं आप लोगों को बाहर जाके दिखाता हूं। और गाइस देखो, मैंने क्रोनो का भी यूज कर लिया, तो फुल मैप में ये अभी चीज आया है। सो गाइस आप लोग ये जरूर से यूज कर सकते हो। इसके बाद गाइस देखो, जो सेकंड नंबर चेंज है, वो गाइस बहुत ही ज्यादा ओपी चेंज है। वो है गाइस देखो, अभी ये जो रिवाइवल कार्ड है ना, ये गाइस लैंडिंग के 8 मिनट के बाद गाइस आप लोग को नहीं मिलेगा। मतलब 8 मिनट टोटल टाइम है, उसके अंदर ही गाइस आप लोग चाहो तो अपने टीममेट को रिवाइव कर सकते हो, वरना गाइस आप लोग नहीं कर पाओगे। ये गाइस बहुत ही अच्छा चीज है यार। क्या होता है ना, लास्ट जोन में बहुत सारे बंदे रिवाइव हो जाते हैं, मतलब अपने जो टीममेट है सबको रिवाइव कर देते हैं ये रिवाइवल कार्ड से। तो ये चीज गाइस काफी ज्यादा अच्छा किया है करीना वालों ने। मतलब 8 मिनट के अंदर रिवाइव देना है, तो दो वरना गाइस आप लोग रिवाइव ही नहीं दे पाओगे रिवाइवल कार्ड से। गाइस देखो, जो थर्ड नंबर ठीक है ना, वो गाइस देखो, बॉनफायर का टोटली लुक चेंज कर दिया है। गाइस देखो, एक दिया टाइप का कर दिया है। गाइस देखो, सामने दिवाली आ रहा है, तो इसी वजह से करीना वालों ने ये किया है, जो कि मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। गाइस जो फोर्थ नंबर चेंज है ना, वो है गिल्ड 2.0। गाइस देखो, पूरा जो गिल्ड का इंटरफेस है, वो गाइस अभी पूरा चेंज हो चुका है। गाइस गिल्ड काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है। गाइस देखो, अभी जो आपका गिल्ड का लेवल है ना, वो भी गाइस मतलब चेंज हो चुका है। जैसे मेरा गिल्ड का भी लेवल है 2, भाई पहले 4 था, भाई अभी 2 हो गया है। मतलब सभी का सभी गिल्ड का जो लेवल है वो चेंज हो चुका है। मेरा नहीं, सभी के सभी जो गिल्ड है सबका लेवल चेंज हो चुका है। और गाइस देखो, अभी गिल्ड वॉर्ड होगा। ऊपर से गाइस देखो, ये जो वीकली लीडर बोर्ड है ना, उसमें गाइस आपका गिल्ड अगर टॉप 15 के अंदर आता है, तब गाइस देखो आपके गिल्ड में मतलब वी बैच मिलेगा। मतलब जो 15 टॉप का गिल्ड होगा लीडर बोर्ड के अंदर, वीकली लीडर बोर्ड के अंदर। और गाइस देखो, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूं, जिसका यूज से गाइस आप लोग गिल्ड का जो लेवल है वो बढ़ा पाओगे। गाइस देखो, आप लोग जितना हो सके ना अपने गिल्ड के टीममेट के साथ खेलो, गिल्ड मेंबर के साथ खेलो। गाइस देखो, अगर आप लोग फुल मैप खेलते हो, तो गाइस एक फुल मैप में अगर आप लोग मतलब खेलते हो ना, तो गाइस आप लोग 110 मतलब गिल्ड ग्लोरी मिलेगा। और अगर आप लोग CS खेलते हो, तब गाइस आप लोगों को 60 मिलेगा। और ये पर परसेंट मैं बता रहा हूं। और गाइस देखो, आप लोगों को ये जो गिल्ड का अवतार, एक नया अवतार, नया बैच भी गाइस आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद गाइस ये जो फिफ्थ नंबर चेंज है, वो है गाइस देखो, बरमूडा मैप टोटली गाइस चेंज हो चुका है। बरमूडा मैप में मतलब स्नोफॉल आ चुका है, स्नोफॉल हो रहा है, मतलब विंटरलैंड वाइब आ रहा है। तो गाइस देखो, आप लोग बैकग्राउंड में देख ही सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है बरमूडा मैप। मतलब टोटली चेंज हो चुका है, चेंज मतलब क्या, स्नो आ चुका है। गाइस देखो, जो सिक्स नंबर चेंज हुए, गाइस देखो मैं आप लोगों को पीक का कुछ अपडेट बता देता हूं। देखो, ये जो बरमूडा मैप का पीक है, इधर गाइस आप लोग ऊपर, इधर मतलब ये जो बड़ा खड़े ना, इसके ऊपर गाइस आप लोग ऐसे लैंडिंग कर सकते हो। और इधर गाइस फैक्ट्री टॉप जैसा है, मतलब ऊपर गाइस आप लोग लैंडिंग करके कैंपिंग कर सकते हो। इधर गाइस फिश फाइट भी होगा। और ये जो ऊपर वाला जो जगह है, मतलब पीक का जो सेकंड फ्लोर, इधर भी गाइस आप लोग जंपिंग शूज का यूज करके ऊपर जा सकते हो। सो गाइस देखो, जो सेवन नंबर चेंज है, वो है गाइस देखो, अभी आप लोगों को जोन को देख के थोड़ा चलना पड़ेगा। क्योंकि गाइस देखो क्या होगा, जोन के बाहर अगर आप लोग मेडिकेट मारोगे ना, तो गाइस आप लोगों को जो HP मिलता है उससे गाइस 5% गाइस आप लोगों को कम HP मिलेगा। और ऊपर से तो गाइस आपको पता है ये जोन में कितना ज्यादा डैमेज खाता है। तो गाइस आप लोग थोड़ा देख के चलना, ये जोन को थोड़ा भी सीरियसली नहीं ना, क्योंकि गाइस तो एक बार अगर आप लोग जोन में फंस जाओगे तो एकदम टाटा बाय बाय हो जाओगे, डायरेक्ट लॉबी में चले जाओगे। तो जोन को भी थोड़ा सीरियस लेना। सो गाइस देखो, जो 8 नंबर चेंज है, वो है गाइस देखो, आप लोगों को गेम के अंदर ये जो FF कॉइन है ना, ये गाइस आप लोगों को हर जगह मिल जाएंगे, बहुत सारे आप लोगों को हर जगह मिल जाएंगे। और गाइस अगर आप लोग एक बंदे को मारते हो ना, तो गाइस आप लोगों को 100 FF कॉइन मिलेंगे। मतलब आप लोगों को अलग से सूजी फूजी लेने का जरूरत नहीं है, FF कॉइन आप लोगों को भर भर के गेम के अंदर मिल ही जाएंगे। जैसे ही गाइस देखो, मैंने इस बंदे को मारा और मेरे को इंस्टेंटली 100 FF कॉइन मिल गए। तो गाइस आप लोगों को बहुत सारे FF कॉइन मिल जाएंगे फुल मैप खेलते हुए। सो गाइस देखो, जो 9 नंबर चेंज है, वो है गाइस देखो, एक नया लोड आउट आया जिसका नाम है पॉकेट मार्केट। और ये गाइस अलग ही एक लोड आउट है, मतलब खुद का आपका वेंडिंग मशीन हो जाएगा यार। आप लोग ये CS में दो बार यूज कर सकते हो, फुल मैप में दो बार यूज कर सकते हो। गाइस जब भी आप लोग ये यूज करोगे, आप लोगों को एक अलग से वेंडिंग मशीन टाइप का आ जाएगा, एक मार्केट आ जाएगा। उधर से गाइस आप लोग जो इच्छा अपने हिसाब से परचेस कर सकते हो। जैसे गाइस देखो, इधर बहुत कुछ आ चुका है, अब मैं गाइस अपने हिसाब से परचेस कर सकता हूं। तो ये काफी ज्यादा अच्छा चीज है यार। सो गाइस देखो, जो 10 नंबर चेंज है, वो है गाइस देखो, फुल मैप में आप लोगों को वेंडिंग मशीन के अंदर ये जंपिंग शूज मिलेंगे, जो गाइस आप लोग यूज कर सकते हो। और ये गाइस सर्वे सर्वर जैसा है, मतलब आप लोग जंपिंग शूज का यूज करके फटाफट ऊपर जा सकते हो। और कोई बंदा अगर सेकंड फ्लोर में कैंपिंग कर रहा है, तो इजीली आप लोग उसको शॉक करके मार सकते हो। तो ये चीज मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। गाइस देखो, जो 11 नंबर चेंज है, वो है गाइस देखो, फैल्कन का एबिलिटी चेंज कर दिया यार। अभी गाइस देखो क्या एबिलिटी है, अगर आप लोग पैराशूट में हो, मतलब लैंडिंग कर रहे हो, और कोई बंदा अगर आपसे पहले
लैंडिंग कर लिया और उसको गन मिल गया, तो उसका जो ऑटो एम है वो गाइस आपके ऊपर नहीं जाएगा, तो वो आपको मार नहीं पाएगा इजीली। तो इससे अच्छा तो मेरे को पहले वाले एबिलिटी अच्छा लगता था कि हम लोग जल्दी जल्दी लैंडिंग कर पाते थे। गाइस देखो जो 12 नंबर चेंज है, गेम के अंदर एक न्यू कैरेक्टर आया जिसका नाम है इग्निस, और ये कैरेक्टर गाइस OB41 अपडेट में भी आया था, मतलब एडवांस अपडेट में भी आया था एक मिस्टीरियस कैरेक्टर बोल के। तो इस कैरेक्टर का जो एबिलिटी है मैं आप लोगों को बता देता हूं। गाइस देखो आपके सामने ना एक फायर वॉल बन जाएगा और उसके अंदर कोई एनिमी आता है तो पहला बार उसको 30 का डैमेज लेगा, फिर गाइस उसको 10-10 करके डैमेज लेगा और उसका जो आर्मर पेनिट्रेशन है ना वो 10% कम कर देगा। तो ये कैरेक्टर अच्छा ही है यार, आप लोग यूज करो। और इसके अलावा भी गाइस देखो और एक कैरेक्टर आने वाला था जो कि है थला, जो कि एमएस धोनी का कैरेक्टर होगा, आपको पता ही है। उसके ऊपर अभी भी कोई अपडेट नहीं आया, जब अपडेट आएगा गाइस मैं आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। और गाइस देखो मैं भी इस कैरेक्टर की एबिलिटी चला दिया और उसको 30 का डैमेज लगा, तो अच्छा खासा कैरेक्टर है यार। गाइस जो 13 नंबर चेंज है वो हमारा गेम का जो लॉबी है वो चेंज हो चुका है, तो ये आप लोगों को पता ही होगा, छोटा सा अपडेट था मैंने आप लोगों को बता दिया क्योंकि चेंज तो चेंज है ना। गाइस जो 14 नंबर चेंज है वो गेम के अंदर इनहेलर का जो बड़ा भाई है वो इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि है एनर्जाइजर। ये चीज गाइस काफी ज्यादा अच्छा है, जैसे कि गाइस देखो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ग्रेनेड से डैमेज खाया हूं। अभी गाइस देखो मेरे पास एनर्जाइजर है तो मैं इसका यूज कर रहा हूं। देखो गाइस क्या होगा, मेरे को गाइस एचपी मिलेगा, ठीक है, मेरा जो मूवमेंट स्पीड है वो थोड़ा बढ़ चुका है, ऊपर से गाइस देखो मेरे को एचपी मिल जाए, ठीक है, ईपी नहीं मिल जाए, एचपी मिल जाए। और ये चीज गाइस फाइट करने के टाइम में हम लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। गाइस जो 15 नंबर चेंज हुआ है फिर से हमारे गन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, मतलब गन एट्रीब्यूट्स के साथ छेड़छाड़ हुआ है, कुछ गन को अच्छा कर दिया, कुछ गन को फालतू कर दिया है। जो कि गाइस देखो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जो ग्रीन में है ना वो गन अच्छा कर दिया है, जो रेड में है वो गन फालतू कर दिया है। और उनमें से जो मेजर गन है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, गाइस एक्सेमेट में चेंज हुआ है, एक्सेमेट का गाइस डैमेज एक्यूरेसी और मैगजीन तीनों ही बढ़ा दिया है, मतलब काफी ज्यादा अच्छा कर दिया है। और जो हम लोग का जो प्यारा M10 है वो गाइस मतलब पहले से डैमेज उसका कम कर दिया है। यार M10 के साथ ही ऐसा क्यों होता है मुझे पता नहीं, M10 का पहले भी डैमेज कम कर दिया था, अभी गाइस और भी कम कर दिया है, अभी गाइस उतना भी अच्छा नहीं चलेगा M10 14। गाइस जो 16 नंबर चेंज हुए थे वो CS रैंक का जो ग्रैंड मास्टर का लोगो है ना वो गाइस चेंज कर दिया है, गाइस देखो अभी बहुत ही ज्यादा ग्लो हो रहा है, पहले गाइस ऐसा ग्लो नहीं होता था, अभी गाइस बहुत ज्यादा ग्लो हो रहा है। गाइस देखो जो 17 नंबर चेंज है वो एज वेरिफिकेशन गाइस अभी हट चुका है, गाइस आप लोगों को पता होगा जो जो 18 प्लस है वो गाइस 6 घंटा गेम खेल पाते थे और जो जो गाइस बिलो 18 है वो 3 घंटा गेम खेल पाते थे, बट अभी के टाइम में गाइस एज रिस्ट्रिक्शन ही हट चुका है, तो करीना वालों को कैसे पता चलेगा कि हम लोग कौन से एज में, पता नहीं यार ये ग्लिच है या फिर क्या है मुझे पता नहीं फिलहाल। गाइस जो 18 नंबर चेंज है वो मैजिक क्यूब सेक्शन में गाइस हम लोगों को कुछ नया बंडल अभी देखने को मिलेगा, जो कि गाइस पहले के टाइम में इनक्यूबेटर में आए थे, तो ये बंडल गाइस अगर आपके पास मैजिक क्यूब है तो गाइस आप लोग जरूर से ले सकते हो, काफी अच्छा खासा ही बंडल आया है, तो गाइस आप लोग जरूर से रिडीम करके ले सकते हो। गाइस जो 19 नंबर चेंज है वो है गाइस देखो फुल मैप रैंक से BR रैंक से गाइस कालाहारी मैप को ही हटा दिया यार, मतलब हम लोग अभी फुल मैप जब भी खेलेंगे BR रैंक जब भी खेलेंगे तो कालाहारी मैप नहीं आएगा यार, बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। और अगर आप लोग रूम बनाने अभी जाओगे तो गाइस देखो इधर मतलब रेगुलर रूम एक है और गिल्ड रूम एक है, जो कि मतलब नया आया है, गिल्ड रूम नया आया है, तो देखना पड़ेगा ये चीज क्या है। सो गाइस देखो आज का जो लास्ट नंबर चेंज है वो कुछ कैरेक्टर्स में बहुत सारे चेंज आए, मतलब कुछ कैरेक्टर के एबिलिटी में बहुत सारे चेंज आए, जो कि गाइस मैं आप लोग इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जो कि आप लोग को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा यार। तो फटाफट आप लोग क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर कर देना, और ये वीडियो कैसा लगा, ये अपडेट कैसा लगा मेरे को फटाफट कमेंट सेक्शन में बता देना। और गाइस देखो अगर आप लोग का हेडशॉट नहीं लग रहा है तो गाइस देखो आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, और गाइस देखो अगर आप लोग अपना मूवमेंट स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट करना है ना तो गाइस आप लोग फटाफट लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। सो गाइस चलो टाटा बाय बाय पीस।